हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित जुनेजा है और मैं पीजीटी कॉमर्स हूँ केंद्रीय विद्यालय इटावा में। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, और मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को इसके साथ सॉल्व करके दिखाया था। तो मेरा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, गारंटी मतलब कि किसी एक पर्सन को गारंटी मिलना कि उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये होती क्या है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, और इसको हम किस तरह से जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम इसको डील करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले इसका मीनिंग बताऊंगा और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है गारंटी, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए जैसे फर्म में तीन पार्टनर्स हैं, मान लीजिए पी क्यू आर, ये तीन पार्टनर्स हैं फर्म के, और जो है इसमें आर जो है आर थोड़ा सा गरीब बंदा है या फिर थोड़ा सा उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, तो वो डरता है कि हम बिजनेस में पार्टनर क्यों बने, ठीक है। बट पी और क्यू उसके दोस्त हैं, तो उन्होंने उसको जबरदस्ती पार्टनर बना लिया और साथ में उसको एक अश्योरिटी दे दी, एक अश्योरेंस दे दिया, गारंटी दे दी कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, इन केस अगर फर्म का प्रॉफिट थोड़ा सा भी कम हुआ तो हम तुझे मिनिमम 10,000 रुपए साल का प्रॉफिट देंगे। तो अगर किसी ऐसे बंदे को जो थोड़ा सा जिसके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो या वो थोड़ा सा डर रहा है बिजनेस में इन्वेस्ट करने में, तो उसको जब गारंटी मिल जाती है तो थोड़ा सा वो जो है उसका डर कम हो जाता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। उसके पहले मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा एक आगे। तो जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेन अ पर्टिकुलर पार्टनर is given a guarantee of minimum profit during the year, this guarantee may be given to him either by any partner or by all the partners of the firm in an agreed ratio। मतलब कि जब किसी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है तो ये गारंटी उसको कौन देता है, ये गारंटी उसको either by any partner, कोई एक पार्टनर भी दे सकता है गारंटी, जैसे पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं और आर को गारंटी मिली है, तो ये गारंटी उसको सिर्फ पी भी दे सकता है कि तेरा अगर प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ तो बाकी का शेयर मैं दे दूंगा। मान ले तेरा प्रॉफिट 8,000 रुपए हुआ तो तुझे 2,000 मैं अपनी जेब से दे दूंगा, अपने प्रॉफिट में से दे दूंगा। अब ये गारंटी उसको क्यू भी दे सकता है कि मान ले तेरा प्रॉफिट अगर क्यू आर का प्रॉफिट अगर 7,000 रुपीज होता है साल का, तो बाकी की जो अगर 3,000 की कुछ कमी है तो उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को क्यों कहता है कि मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी डेफिशिएंसी को और बाय ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म इन एन अग्रीड रेशियो, ये भी हो सकता है कि आर को जो गारंटी है वो बाकी के दोनों पार्टनर्स दे दें पी और क्यू। मान लीजिए आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 6,000 आता है, फर्म को प्रॉफिट कम हुआ तो आर का शेयर 6,000 रुपीज है, तो उस केस में उसको गारंटी तो मिली है पूरे 10,000 की, तो 4,000 रुपए उसको कौन पे करेगा। तो ये पी और क्यू ये आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आर की कुछ डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को वो लोग आधा आधा या फिर किसी और पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऐसे समझा रहा हूं कि मान लीजिए पी क्यू आर ये तीन पार्टनर है, इनका पीएल रेशियो जो है प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2:1 है। 3:2:1 का मतलब 3/6, 2/6, 1/6। मैंने आपको पहले पिछले अपने एग्जाम्पल में भी समझाया था कि रेशियो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रेशियो 3+2+1 6, उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। आउट ऑफ 6 3 रुपीज टू पी, आउट ऑफ 6 2 रुपीज टू क्यू, एंड आउट ऑफ 6 1 रुपी टू आर। मतलब 6 में से 1 रुपए आर को, 6 रुपए के प्रॉफिट में से 2 रुपए क्यू को, और 6 रुपए के प्रॉफिट में से 3 रुपए आर को पी को मिलेंगे। अब मान लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर ये हुआ हमारा 30,000। फर्म को पूरे साल में प्रॉफिट हुआ 30,000, तो प्रॉफिट ऑफ पी कितना हो जाएगा, 30,000
मल्टीप्लाई बाय 3/6। पी को मिलेंगे 15,000, इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ क्यू हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो क्यू को मिलेंगे 10,000 और आर 30,000 इंटू 1/6, इसको मिलेंगे 5,000। अब हमको ये देखना है कि इन लोगों ने, तीनों ने मिलकर आर को गारंटीड दी है 10,000। इन लोगों ने मिलकर जो है आर को गारंटी दी है कि आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि आर को कितना प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। तो इस तरह के केस में आर को मिलने कितने चाहिए मिनिमम 10,000 और आर को मिल कितने रहे हैं 5,000। तो ये देखेंगे कि डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी कितनी हो रही है। डेफिशिएंसी ऑफ आर 10,000 माइनस 5,000 करके निकल आएगी डेफिशिएंसी 5,000 रुपीज। अब जो भी कमी आर के प्रॉफिट की हो रही है उस कमी को पी और क्यू ये दोनों अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्रीफाइस ऑफ पी ये निकालेंगे डेफिशिएंसी का अमाउंट इंटू 3/5 और डेफिशिएंसी ऑफ क्यू ये निकल आएगा 3,000, ये आ जाएगा 2,000 कि आप P जो है वो P R के लिए 3,000 रुपए सेक्रीफाइस करेगा और Q जो है वो R के लिए 2,000 रुपीज सेक्रीफाइस करेगा। तो सेक्रीफाइस करेंगे कैसे, शो कैसे करेंगे, P अपने प्रॉफिट में से 3,000 माइनस कर देगा, अब P को मिलेंगे 12,000, Q अपने प्रॉफिट में से 2,000 माइनस कर लेगा, आप P को मिलेंगे, Q को मिलेंगे 8,000 और R को 3,000 पी से मिल जाएंगे और 2,000 क्यू से मिल जाएंगे। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 हो जाएगा। मतलब ये देखा जाता है कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उस पार्टनर का प्रॉफिट जो होगा उतना उसको मिनिमम मिलना ही मिलना है, और जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उन पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर, अभी एक एग्जाम्पल भी मैं आपको इसके आगे कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस तरह से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस चीज को शो करते हैं। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 4/4/7, 2/7 एंड 1/7 रिस्पेक्टिवली। इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सीज शेयर बी लेस देन ₹1,80,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ending 31st March 2016 amounted to ₹10,50,000. You are required to show the appropriation of profits between the partners. तो जैसा कि अभी हमने देखा है, जो भी example हमने पढ़ा है उस example में ये लिखा हुआ है कि A, B और C तीन partners हैं जिनका profit sharing ratio है 4/7, 2/7 and 1/7। तो ऐसे हमने लिख लिया A is to B is to C 4/7, 2/7 एंड 1/7। तो ये इनका A, B, C का रेशियो है। इसमें लिखा है कि C is given a guarantee, C is given guarantee of minimum profit, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। मतलब इन लोगों ने, ए और बी ने ये गारंटी दी है सी को कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी साल में 1,80,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, अब आगे लिखा है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ फर्म, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ फर्म
पूरे साल में फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना है? ₹10,50,000। इन लोगों ने पूरे साल में ₹10,50,000 कमाए हैं। तो हमारा काम सबसे पहले ये देखना है कि एक्चुअल में सी को कुछ कमी हो भी रही है या नहीं हो रही है, कि सी का शेयर और प्रॉफिट एक्चुअल में बन कितना रहा है, पहले हम ये देखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी देखने वाली ये है कि इन केस अगर सी को कुछ डेफिशिएंसी होती है तो ये लोग अपने किस रेशियो में अपने प्रॉफिट इसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। रेशियो इन विच डेफिशिएंसी ऑफ सी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इज इक्वल टू 4:2। मतलब अगर सी को कुछ डेफिशिएंसी होती है तो ए और बी अपने 4:2 के रेशियो में इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। 4:2 का मतलब हम 4:7 और 2:7 नहीं लेंगे, यहां पर हो जाएगी इनकी डेफिशिएंसी बियर करने का रेशियो 4:6 और 2:6। सम ऑफ रेशियो 4+2 6, तो 6 में से 4 ए बियर करेगा और आउट ऑफ 6 ₹2 बी बियर करेगा। तो ये देखना होता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो 4:2:1 अगर रेशियो है तो इसमें सिर्फ जो लोग पार्टनर बियर कर रहे हैं डेफिशिएंसी सिर्फ उनका रेशियो लेंगे, तीसरे पार्टनर का शेयर नहीं लेंगे उसमें। ये चीज हमें क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। मैंने अपने पिछले एग्जांपल में भी जो अभी पी क्यू आर वाला एग्जांपल दिया था वहां पर भी मैंने ये चीज जो थी लिखी थी कि वहां पे रेशियो दिया था 3:2:1। तो मैंने वहां पे लेकिन डेफिशिएंसी जब बियर की है तो वो 3:5 और 2:5 के रेशियो में बियर की है। तो ये देखने वाली चीज होती है कि जो पार्टनर्स डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं उनका आपस में क्या रेशियो है। तो यहां पर 3:2 लिया था, वैसे यहां पर 4:2 लेंगे और 4:6 और 2:6 लेंगे इसको। अब ये देखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट हो कितना रहा है ए का और बी का। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी 10,50,000 इंटू 2:7 और सी 10,50,000 इंटू 1:7। मतलब इसको प्रॉफिट होगा 6 लाख, इसका प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख और सी का प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000। अब ये देखेंगे कि सी को मिलना कितना चाहिए था 1,80,000, लेकिन एक्चुअल में सी का शेयर और प्रॉफिट आ कितना रहा है 1,50,000। इसको हमने गारंटी दी है कि तुम्हें कम से कम 1,80,000 मिलेंगे, लेकिन जब हम एक्चुअल में देख रहे हैं तो सी का शेयर और प्रॉफिट 1,50,000 आ रहा है। तो फिर यहां पर हमको ये देखना है कि डेफिशिएंसी कितनी है सी की। डेफिशिएंसी ऑफ सी, तो यहां पर गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, कि सी की गारंटी, सी का जो है कितनी डेफिशिएंसी हो रही है। सी को गारंटी दी गई थी 1,80,000, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000। तो मतलब इसको ₹30,000 की कमी पड़ रही है, मतलब इसको ₹30,000 ए और बी जो है बियर इसके ₹30,000 करेंगे। अब कैसे करेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ सी टू बी बॉर्न बाय ए इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 4:6, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। मतलब ए जो है वो ए ₹20,000 अपनी जेब से देगा। डेफिशिएंसी ऑफ सी टू बी बॉर्न बाय बी
30,000 इंटू 2/6 10,000, मतलब बी जो है वो सी को 10,000 रुपीज पे करेगा। तो इस तरह से हमको ये देखने को यहां पे मिल रहा है कि अगर कोई पार्टनर सी की जो सी का एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए 1,80,000 गारंटेड अमाउंट, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट था कितना 1,50,000, तो सी को मिलना था 180, मिला 150, तो उसका जो 30,000 की जो कमी है उस कमी को पूरा करेंगे ए और बी अपने 4:2 के रेशियो में, जो उनका आपस में ए और बी का रेशियो है, दैट इज 4/6 एंड 2/6। तो फिर कैलकुलेशन का अमाउंट कैसे करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ सी टू बी बॉर्न बाय ए, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट जो हमने यहां निकाला था इनटू 4/6 ये वाला रेशियो, तो इस तरह से ए बियर करेगा 20,000 20,000, डेफिशिएंसी ऑफ सी टू बी बॉर्न बाय बी, डेफिशिएंसी का अमाउंट 30,000 इनटू 2/6 ये वाला, तो इस तरह से बी जो है वो बियर करेगा 10,000। तो ये तो हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब इसको हम अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरह से शो करेंगे, अब इसके बाद में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये हमारा सॉल्यूशन है कि हम इस प्रॉफिट को किस तरह से अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि सबसे पहले हम जो अपना प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर। तो ऐसा ही मैंने यहां पर किया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में शो कर दिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हमको कितना 10,50,000। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर कोई आइटम दिया है तो उसको हम वैसे ही शो करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, बाकी कोई आइटम नहीं दिया, तो बस हम यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू प्रॉफिट लिखा, ए का एक्चुअल शेयर कितना था जो हमने वर्किंग नोट में निकाला था, 6,00,000 रुपीज, 6,00,000 रुपए ए को मिलने थे। लेकिन वर्किंग नोट में हमने ये भी देख लिया कि ए ने सी को 20,000 रुपीज पे कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिया 20,000 सी के लिए। तो मैंने यहां क्या लिखा, ए में 6,00,000 लेस गिवन टू सी, सी को क्या दे दिया 20,000, तो 6,00,000 में से 20,000 अगर सी को दे दिया तो ए के पास खुद कितना बच गया 5,80,000। सेम वे बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट था 3,00,000, बी को एक्चुअल 3,00,000 मिलने चाहिए थे, फिर मैंने इसमें से भी लेस कर दिया क्योंकि बी ने भी सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, गिवन टू सी 10,000, 3,00,000 मिलने थे, 10,000 उसने सी को दे दिए, तो अब बी के पास कितने रुपए बच गए 2,90,000 रुपीज। सी का एक्चुअल प्रॉफिट था 1,50,000, अब इसको ए ने भी दिया, इसको सी ने भी दिया, तो ए ने यहां लिख दिया एड टेकन फ्रॉम ए, ए से इसको कितने रुपए मिले 20,000, एड कर दिया टेकन फ्रॉम बी, बी से इसको मिले थे 10,000, तो 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इसका टोटल मिलाकर हो गया 1,80,000, मतलब सी को जितने रुपए मिलने चाहिए थे वो उसको पूरे पैसे उतना ही गारंटेड अमाउंट मिल गया। और यहां पे फिर हम दोनों साइड्स का टोटल 10,50,000 डेबिट का भी हो जाएगा और 10,50,000 क्रेडिट का भी हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक जो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये गारंटी इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स ने दी हुई थी, इसलिए दोनों के पार्टनर्स के प्रॉफिट में से कम कर दिया अमाउंट। इन केस अगर कोई एक ही पार्टनर गारंटी देता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि ए ही सिर्फ गारंटी दे रहा होता सी को, तो हम ए के प्रॉफिट में से ही सिर्फ 30,000 माइनस कर देते और ए का प्रॉफिट कम हो जाता, बी में भी कोई चेंज नहीं होता और यहां पर सी को मिनिमम 1,80,000 मिल जाते। इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों ही पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों ही पार्टनर्स ने गारंटी दी है सी को, तो इस तरह से हम इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपियर करवाएंगे सारी चीजों को, इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जाएगा। तो ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक के साथ ही इसमें
कोई एक पॉइंट पास्ट एडजस्टमेंट का भी होगा और साथ में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी क्वेश्चन एक पॉइंट उसमें डाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो होता है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं इसके साथ साथ।